जैसा कि प्रेसिडेंट लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे आ गए थे, तो प्रेसिडेंट लोरी आप एसिड बेस, व्हाट इज प्रेसिडेंट लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो इसको हम समझेंगे। ई टी नॉट एड इंटरेस्टेड टू एक्वस रिस्ट्रक्चर्ड मीडियम ओनली, थी जैसा कि ये केवल एक्वस मीडियम के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, बहुत सारे मीडियम मतलब हो गए, क्योंकि आर्नियस साहब जो थे उन्होंने दिया कि ओनली अप्लीकेबल फॉर एसिड एंड एक्वस मीडियम ओनली। तो फिर वहाँ पे एच प्लस जो होता था, तो वो एच मतलब एक्वस मीडियम में कोई भी माली वगैरह जो होता था, तो फिर जो एसिड हो गया तो एच प्लस देता था, और ओ एच माइनस एक्वस मीडियम में वो ओनली अप्लीकेबल था। तो उसके बाद यहाँ पे हम एसिड जो होगा वो ब्रास्टेंट लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार, एसिड जो होगा तो प्रोटॉन डोनर होगा और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ पे सम एग्जांपल दिखाया गया कि एस सी एल ए है, उसके बाद एच टू ओ, फिर ए रिएक्ट करके एच सी एल एच टू ओ, तो यहाँ पे एच टू ओ ये यहाँ से एक प्रोटॉन ले रहा है, यहाँ से एच टू ओ है ना, तो एक ये वाला जो है यहाँ पे H3O H2, तो एक यहाँ कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो फिर ये यहाँ से लिया, तो फिर H3O+ के फॉर्म में और Cl-, तो यहाँ पे एसिड को बेस दिखाया गया। तो ब्रास्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, तो फिर जो एसिड होगा प्रोटॉन डोनर होगा और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। तो फिर यहाँ पे प्रोटॉन डोनर का काम करेगा एसिड और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके एच सी एल एच टू ओ एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम H3O+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस, तो फिर H2O3 यहाँ पे H3O+ बना के यहाँ से ए H2O, तो H3O तो कहाँ से है, ये यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ निकल के यहाँ गया, फिर H3O+ एसिड एंड Cl- ये बेस। तो फिर इसी प्रकार एक और एग्जांपल CH3COOH NH3, CH3COO-, ये इतना पार्ट और ये यहाँ चला गया, तो ये एसिड जो है प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा था, ये एच निकल के इससे ऐड हो गया, ये एच है, ये वाला एच यहाँ पे आ गया है, जो कि यहाँ NH3 से NH4, तो यहाँ पे NH4 यहाँ पे ये दिखाया गया है। तो फिर एसिड प्रोटॉन डोनर, तो ये कि ये एच प्लस प्रोटॉन है तो यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, तो फिर ये एसिड का काम किया, और ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर क्योंकि ये यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस का काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पे HClH2O, तो यहाँ पे भी HCl+ H2O H3O+ एक्वस+ Cl-, तो फिर यहाँ पे भी एसिड जो है यहाँ पे ये कि प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, तो यहाँ से H+ Cl- में होगा H3O HCl-, यहाँ से। तो फिर इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ लिए H2SO4+ H2O, तो यहाँ पे H2O से ये एक यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से लिया, तो फिर ये एसिड हो गया और ये बेस का काम किया, तो H3O+ HSO4-, और इसके बाद ये NH3+ H2O पे NH4-, यहाँ पे ये एक OH- ना H+ OH- में टूटेगा ये H2O मॉलिक्यूल, तो फिर यहाँ पे भी ये NH4- और OH+, तो यहाँ पे बेस यहाँ पे एसिड, तो फिर OH+ NH4-, तो यहाँ पे ब्रास्टेंट लो लारी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो यहाँ पे ये कुछ उसके फंक्शंस वगैरह दिखाए गए। उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो फिर यहाँ पे एसिड एसिड बेस, तो एसिड वन और बेस वन और एसिड टू बेस टू, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहला देंगे, मतलब एसिड जनरल नाम के लिए वन टू यहाँ पे दिखाया गया। तो इसको हम समझेंगे कि मतलब ब्रांसडेंट में लॉरी जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, उसी में से है ये निकल के, कहीं अलग से नहीं निकल के आया। तो फिर यहाँ पे HCl ने H+ Cl-, तो कॉन्जुगेट बेस HCl, यहाँ से ये HCl+ H2O, फिर ये सेम यही वाला है H3O,
ओ प्लस प्लस सी एल माइनस, तो फिर यहाँ पे इसी को लेके दिखाया गया कि क्लास में हमें लग रहा है बोरियत ना हो जाए, इसलिए मतलब अब एसिड है वेस्ट जो हमने सब खाया पिया था, तो उसमें क्या क्या बन रहा था, तो उसी को दिखाया, क्योंकि नींबू है तो वो खट्टा आएगा, उसके बाद और सब चीज़ है, तो फिर दूसरे से एक लिटमस पेपर वगैरह सब लेके यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि एसिड जो कि नील लिटमस को कुछ कर देता है, और उसके बाद उसी लिटमस को दूसरे के साथ व्यवहार करता, तो उस पर से एक चैप्टर होल सर्कल जनरेट किया गया, उस पर बनाया गया कि व्हाट इज एसिड व्हाट इज बेस। तो फिर यहाँ पे ब्रास्टर आरहेनियस जो थे उन साहब थे, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद ब्रास्टन टोलोरी साहब थे, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, तो उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्लास बोरियस ना हो जाए। इसके बाद मतलब उसके बाद कोई भी सिस्टम हो गया तो फिर उस सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, वो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, तो फिर उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे ये सब दिखाया गया है, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो गया तो मतलब जैसे वो पानी हो गया तो उसमें कैसे पता चलेगा ये खट्टा है कैसा है, कि तो एच जो कि पानी एसिड और बेस दोनों की तरह, मतलब कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि वह क्यों पानी एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, क्योंकि उसको H2O जो है तो एच प्लस ओ एच माइनस भी देगा, तो फिर वहाँ पे अकॉर्डिंग टू आरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट मतलब एक्वस मीडियम तो वो है ही, क्योंकि एक्वस मीडियम में वो देता है, तो एच प्लस तो दिया तो ओ एच माइनस भी, तो फिर मतलब आरहेनियस में। उसके बाद ब्रास्टन था लॉरी कॉन्सेप्ट आप एसिड बेस ई टी मतलब केवल एक्वस मीडियम के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगी, ये जो कि दिखाया गया जहाँ पे एसिडों का प्रोटॉन डोनर बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो यहाँ पे HCl H2O H3O प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे एसिड और बेस कैसे यहाँ से ये निकल के गया, उसके बाद ये कैसे एक्सेप्ट करके यहाँ पे बना, इसके बाद ये फिर ये यहाँ पे एग्जाम्पल उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो फिर कॉन्जुगेट एसिड में सेम यही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया था, तो H2O H3O प्लस इतना, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता था, एसिड ए और बेस ए, तो एसिड और ये और ये, तो फिर इसको हम धीरे धीरे मतलब टाइम ना लेते हुए क्लास को डिस्टर्ब ना करते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लास बोरियस वगैरह होना भी एक अपने आप में खतरा हो जाता है, तो फिर खतरा ना हो जाएगा क्लास बोरियस वगैरह सब ना हो जाए, इसीलिए एसिड HCl में H प्लस Cl माइनस, तो ये वाला फंक्शन उठा के यहाँ पे रख दिया गया था, इसको यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस कंजुगेट बेस, तो फिर H प्लस एसिड, तो फिर यहाँ से दिखाया गया ना एसिड प्रोटॉन डोनर, तो ये HCl है, तो ये तो एसिड ये यहाँ से HCl में तो ये प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन ये एच प्लस दे रहा है, और ये सी एल माइनस कॉन्जुगेट बेस का काम कर रहा है, तो फिर सिमिलरली ये वाला लाके यहाँ रख दिया गया, उसके बाद ये वाला यहाँ से यहाँ रख दिया गया, तो ये बेस जो है बेस का काम कर रहा है प्रोटॉन एक्सेप्ट का, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लिया ये, तो क्योंकि यहाँ से ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये यहाँ से बेस ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, और इसके बाद एक कॉन्जुगेट एसिड बना दिया, तो फिर इसके बाद यही इसके बाद ओवरऑल ऑफ दिस पार्ट, फिर उसी के रिएक्शन का ये वाला रिएक्शन को ओवरऑल इसको तोड़ के दिखाया गया था यहाँ पे, और यहाँ पे ओवरऑल तो HCl ये और ये जो यहाँ पे ये वाला था यहाँ से आया था ये उठा के रख दिया, कि तो फिर ये एसिड 1, उसके बाद ये HCl से तो कैसे बना था H प्लस HCl माइनस, तो HCl ये इसके साथ दिया था, तो एसिड इसके बाद ये बेस, तो ये एसिड यहाँ से ये और ये मिड ये, और इसके बाद ये कॉन्जुगेट बेस को यहाँ पे रख दिया गया है ये, और इसके बाद H2O जो है ये वाला H2O ये, और ये यहाँ पे कंजुगेट एसिड था ना, ये कंजुगेट एसिड एड को यहाँ पे रख दिया गया है ये, तो ये फिर से मतलब HCl ये पार्ट है ये, तो HCl जो है तो H प्लस Cl माइनस, तो एसिड का काम है जो कि यहाँ पे एसिड प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, तो एसिड H प्लस Cl माइनस, तो एसिड H प्लस Cl माइनस, तो ये प्रोटॉन दिया ये, और इसके बाद ये
ये वाला टोटल मॉलिक्यूल, ये H2O, और यहाँ पे ये तो बेस का, क्योंकि यहाँ पे है प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर कंजुगेट एसिड बना रहा है, तो यहाँ पे वही रिएक्शन ये वाला पार्ट उठा के यहाँ रख दिया गया, तो इसका और ये वाला पार्ट और ये H2O का ये वाला पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, तो H2O H3O कंजुगेट एसिड, तो ये इसके साथ ये वाला दिखाया गया है जस्ट सेम। तो यहाँ पे इसका नामकरण एसिड वन और बेस वन, और उसके बाद बेस वन एसिड वन यहाँ पे ये दिखाया गया, उसके बाद सिम ये तो व्हाट इज कंजुगेट एसिड एसिड बेस, तो फिर एसिड बेस का जो मतलब यहाँ पे ये फंक्शन बना, तो फिर यहाँ पे कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोला जाएगा, तो यहाँ पे एसिड इसका 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 इसके साथ कंजुगेट एसिड बेस पेयर, उसके इसका इसके साथ कंजुगेट एसिड बेस पेयर, तो फिर यहाँ पे ब्रासनेटल, और जैसे आरहिनियस हमने समझाया था कि मतलब मॉलिक्यूल लेके H2SO4, तो H+ SO4-, तो H+ तो जो कि मतलब यहाँ पे एसिड मतलब जो हो गया कि मतलब एक्वस मीडियम में H+ तो प्रोटॉन देंगे, और बेस जो तक OH- देते हैं, तो फिर वो सब इसके पहले या दूसरे वीडियो में, तो उसको आप देख लें, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ब्रांस्टेंट लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो ये यहाँ पे दिखाया गया, तो एसिड प्रोटॉन डोनर बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर HCl H2O, तो H3O+ Cl, तो यहाँ पे ये ओवरऑल डिस्कस किया, इसके बाद कंजुगेट एसिड बेस पे, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे यहाँ पे रख के दिखाया गया, उसके बाद ओवरऑल अब दिस पार्ट फिर ये हो गया, उसके बाद ओवरऑल मतलब इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे, तो फिर H2SO4 H2O+ तो यहाँ पे ये इसका इसके साथ होगा सिमिलरली, यहाँ पे अगर इसको तोड़ेंगे तो H+ तो क्योंकि कई पार्ट में जैसे ये दिखाया गया, तो वो बहुत सारे रिएक्शन को यहाँ पे इसका दिखाएंगे, तो ये वाला जैसे ये है, तो H ये वाला तो HCl का तो यहाँ पे दिखाया गया ना, ये यहाँ पे रखा गया है, तो इसका भी ऐसे का बनाएंगे, तो H2SO4 तो H+ SO4-, तो कॉन्जुगेट बेस उसमें भी मिलेगा, तो फिर वो सब नहीं दिखा, डायरेक्ट मतलब यहाँ पे दिखाया गया कि H2SO4 H2O+ H3O++ H2SO4-, उसके बाद H2O NH3NH4++ OH-, उसके बाद यहाँ से H3COOH+ H2O, तो H3O++ H3CO-, उसके बाद H2S+ H2O, तो H3O++ HS-, उसके बाद H3O++ ClO4-, तो HClO4+ H2O, H3PO4+ H2O, H3PO4, तो बोले H2PO4, तो यहाँ पे एसिड वन बेस वन एसिड टू बेस टू एसिड वन, तो यहाँ पे ओवरऑल दिखाया गया कि ब्रासनेट वाला जो फंक्शन था कि ब्रासनेट लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में ये कैसे कैसे क्या होता है, उसके बाद कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ आप ये फिर इसके बाद यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कुछ दिखाया गया है, इसके बाद NH3 N2O OPO4, तो N2 तो यहाँ पे ये देख लेंगे, तो NH3 फिर N2PO, तो ये होता, तो यहाँ पे ब्रासनेट एसिड बे में नाट भी आरहेनियस बे, तो क्योंकि यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा बीच में दूसरा पार्ट आ गया था, तो फिर ये भी एग्जाम्पल के लिए कंपरेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो फिर ये ऐसे ये तो ये स्ट्रेंथ एक बना हुआ है, जो यहाँ पे ये देख लेंगे, उसके बाद आल यहाँ पे मतलब क्योंकि जो कि ब्रासनेट लॉरी कॉन्सेप्ट होगा, तो मतलब ओनली अप्लीकेबल जो आरहीनियस हो, तो ओनली अप्लीकेबल एक्वस मीडियम, लेकिन ब्रासनेट में ऐसा नहीं है, मतलब ये तो नॉट भी आरहीनियस बेस, जबकि आरहीनियस एक बार हो सकता है और ब्रासनेट एक बार नहीं भी हो सकता है, तो फिर यहाँ पे ये दिखा दे, तो अकॉर्डिंग टू आरहीनियस ए बेस मोस्ट ये मतलब जो कि OH- रखता देता है, मतलब उसके बाद H+ रख मतलब OH- और H+ में, जबकि ये सब यहीं पे यहाँ पे डिस्कस किया गया, तो फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्रासनेट ये माइनस इतना, तो फिर ये थे ये है, तो फिर
अकॉर्डिंग टू ब्रास्टन थियरी सी थ्री ओ माइनस आयन ई जे बेस एज इट एक्सेप्ट ए प्रोटान टू फार्म सी थ्री सी ओ माइनस, तो ये इतना तो मतलब यहाँ पे मतलब प्रोटान को एक्सेप्ट कर रहा था, तो उसी को मतलब दोनों को ओवरऑल कंपटीजन करके दे दिया कि एक्वस मीडियम वो प्रोटान दे रहा था। तो फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोटान कैसे हो, तो यहाँ पे कि जो है कि H3O ये प्रोटान जो एक्वस मीडियम इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर एसिड प्रोटान डोनर और बेस प्रोटान एक्सेप्टर, तो ये मतलब ये तो इतना ईजे बेस, तो फिर मतलब कैसे है, तो ओवरऑल एक बार संपूर्ण रिवीजन जल्दी जल्दी करेंगे, फिर इसके बाद क्लास को यहीं पे आज ठप करेंगे। ये ब्रास्टन, इसके बाद ये हमने देखा एसिड एसिड प्रोटान डोनर बेस प्रोटान एक्सेप्टर कैसे कैसे ये बना, फिर इसके बाद ये देखा हमने, ये देखा फिर इसके बाद ये, उसके बाद यहाँ पे कुछ मतलब गुड़ागड़ी वगैरह सब किया गया, तो फिर यहाँ पे ये, फिर उसके बाद ये प्रोटान को ले यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव किया सी एच थ्री टू माइनस एच प्लस, तो यहाँ पे ये दिखा गया। और यहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि ब्रास्टेंट जो होता है, ब्रास्टेंट मतलब जो थियरी है, तो फिर मतलब वो मतलब आर्हीनियस की तरह वो नहीं है, मतलब नॉट बी आर्हीनियस वो, तो क्योंकि मतलब वो केवल एक्वस मीडियम है, तो ये एक्वस मीडियम, तो आज के लिए इतना ही, तो थोड़ा सा छूट गया तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस हमने स्टार्ट किया था तो मोनोप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक एसिड, तो इसमें मोनोप्रोटिक, व्हाट इज मोनोप्रोटिक एसिड, विच एसिड रिलीज ओनली वन प्रोटॉन इज नोन एज मोनोप्रोटिक एसिड। तो फिर मतलब जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, तो फिर यहाँ पे मतलब मोनो डाई ट्राईप्रोटिक पे आ गए थे, तो फिर व्हाट इज मोनोप्रोटिक एंड डाई एंड ट्राईप्रोटिक एसिड, तो एच सी एल में एच प्लस सी एल माइनस, एन एच थ्री में ए एच प्लस एन ओ थ्री माइनस एक, तो फिर यहाँ पे मतलब विच एसिड विच, तो यहाँ पे वन टू ओनली प्रोटान नोन एज, तो विच एसिड रिलीज ओनली प्रोटान इज नोन एज मोनोप्रोटिक, इसी प्रकार डाई प्रोटिक में दो प्रोटान, इसके बाद ट्राई प्रोटिक में तीन प्रोटान होंगे। तो फिर जैसे कि यहाँ पे मोनोप्रोटिक को दिखाया गया है कि क्यों ये ओनली वन प्रोटान, तो फिर जैसे कि एच सी एल एच प्लस सी एल माइनस, एन एच थ्री में एच प्लस एन ओ थ्री माइनस, विच एसिड रिलीज ओनली वन प्रोटान नोन एज मोनोप्रोटिक एसिड, तो अकॉर्डिंग टू एसिड बेस आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्स्टिट्यूएंट में एच प्लस जो देता था उसे एसिड बोलते थे, और ओ एच माइनस जो देता था उसको बेस बोलते थे, तो एच सी एल में एच प्लस ये, तो फिर मोनो ड्राई ट्राई प्रोटिक पे आ गए थे, तो फिर व्हाट इज मोनो प्रोटिक, तो फिर ये मोनो प्रोटिक और ये डाई प्रोटिक में कैक्सम एग्जाम एच टू एस ओ फोर एक्वस स्ट्रांग मीडियम एच प्लस एच एस ओ फोर माइनस, उसके बाद एच एस ओ फोर माइनस एक्वस वीक एच प्लस एस ओ फोर माइनस डाई प्रोटिक, सिमिलरली एच थ्री पी पी ओ फोर एक्वस स्ट्रांग एच प्लस एच टू पी ओ फोर एक्वस, इसके बाद पी एच टू पी ये फोर इक्वस, इसके बाद ये, तो फिर ये ट्राईप्रोटिक एच प्लस इतना, उसके बाद ये ट्राईप्रोटिक, तो ये जनरल सा कॉन्सेप्ट ताकि छूटे ना कोई भी कॉन्सेप्ट, इसलिए हमने कंटिन्यूस को दिया है। तो फिर इसके बाद हम जस्ट आएंगे ब्रास्टेंट लॉरी द्वारा जो दिया गया था एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे छूट गया तो मोनोप्रोटिक में जैसे एस सी एल है तो एच प्लस सी एल माइनस, तो यहाँ पे एस सी एल का वन दिखाया गया है, तो फिर ये और एन एच थ्री में एच प्लस एन ओ थ्री माइनस, तो यहाँ पे वन दिखाया गया, उसके बाद यहाँ पे डाई प्रोटिक तो एच टू एस ओ फोर में ये पार्ट इसमें टूटा, फिर यहाँ से ये यहाँ तो एक दो ये, तो यहाँ पे डाई प्रोटिक ये वाला हो गया, ये ट्राई प्रोटिक एग्जाम्पल में एच थ्री पी ओ फोर में एच प्लस एक के बाद यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो एक दो तीन, तो ये ट्राईप्रोटिक वाला हो गया, तो मोनो प्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक एसिड, तो फिर इतना ही।